जय शाह को आज क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से जुड़े पूरे 15 साल हो गए हैं। शुरुआत उन्होंने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर के तौर पे की थी और आज जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। इसके पहले तक ग्रेग बाकले इस पोजीशन पे थे, पर अब जय शाह हैज टेकन ओवर और वो 4 दिसंबर से चार्ज लेंगे। बस 35 की एज में जय शाह हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट आईसीसी हेड बने हैं। इन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस 3 साल के बाद भी उन्हें आगे के 3 साल के लिए कंटिन्यू करना है या नहीं ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा, पर इन्हें अपनी बीसीसीआई पोस्ट से रिजाइन जरूर करना पड़ रहा है। 2009 से 2013 तक जय शाह जीसीए के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर थे। उसके बाद 2013 से 15 तक ये जीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी रहे। फिर 2015 से 19 तक यानी पूरे 4 साल तक के लिए बीसीसीआई के फाइनेंस कमेटी में भी ये शामिल थे। 2019 के बाद 2024 तक का सफर तो मोस्टली सब लोग जानते ही हैं कि जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने और 2021 से एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो क्रिकेट ज्ञान एंड कीप वॉचिंग इट।